किसान भाइयों, मैं आज पथोली गांव में हूं और यहां चौधरी हरपाल सिंह परिवार में, मतलब ये जो मकान है चौधरी हरपाल सिंह परिवार के हैं, उनके 5 लड़के हैं और काफ़ी फेमस हस्ती है ये, उनका मकान है। ये कौन से किस्से का? ये विकास सतपाल सिंह के लड़के का है। देखो कितना बड़ा मकान है भाई, थोड़ा अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। काफ़ी पुराना मकान है, देखो थोड़ा झील में आ गया अब जा, उसी हिसाब से बहुत पैसा लगाया हुआ है, लेकिन क्या करें, जब रास्ते ऊंचे हो ना तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अब मैं आपको दूसरा मकान दिखाता हूँ भाइयों। ये चौधरी हरपाल सिंह के बेटे, क्या नाम है, यशपाल सिंह का मकान है। देखिए कितना बड़ा मकान है, तक मेरे ख्याल बिगो में होगा, दो बीघे में। इधर साग सब्जी का जुगाड़ है। सही कह रहे हैं। नक्शा बहुत सोना जी, कहाँ से लाए? राम राम जी। मकान थारे फोटो ले लें, तुम बड़े बच्चे बच्चे फिर हो जाओ। नमस्ते भाई। तो ये कौन से सन में बनाया था मकान? 2000 सन 2000 में। और मेरे ख्याल में यहाँ तो मैसी के ज़्यादा शौकीन है जी। ये भाइयों इनका मैसी 241 है। ये कौन सा मॉडल नया दिखा है? तो 5 मॉडल है। टायर नवे हैं, मतलब बाद के हैं? अच्छा दोबारे के हैं। अच्छा अच्छा देखो साफ सफाई की बात है। कितना चल गया था? 2631 घंटे चल गया। देखो मशीनरी कोई भी हो, साफ सफाई तो होनी चाहिए। ये देखो ट्रोली भाइयों, बड़े शौकीन किसान हैं। भाइयों घर में आटा चक्की भी हो जरूरी है, चक्की पे ले जाओ पिसवाना, वे आटा ही बदल दें। अच्छा तो ये वो होगा पहले टीलर का? हाँ उपला सारा जुगाड़ ही है भाइयों। जो पहले टीलर आते पावरिंग पे, वो फ्रेम है देखो, उस पे लेजर बना दिया भाइयों। अब इनकी पशुशाला दिखाते हैं। पत्थर बेल है, बड़े मजे ले रहे थे हम तो, पत्थर बेल भी कहीं खाओ। अच्छा ये पकाया करो या कैसा, अपना पक जाए? वैसे अब घने डंगरों में फायदा नहीं है बेटे। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय खालिस, अक्षित, अक्षित सिरोही। अच्छा सिरोही है इस गांव में। भाइयों चोई साहब का हम अब गन्ना दिखाते हैं। तो ये कौन सा बीज है? 38 है जी। असोजी है फागण का? असोजी फागण का। अच्छा फागण का है। तो भाइयों खेत पे चलते हैं। भाइयों घर के पास में ये खेत इनका चक, ये देखिए 38 बीज है। तो मेरे ख्याल में 15 फुट तो हो रहा होगा जी। हाँ जी 15 फुट से कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा। बोली खड़ा हुई है ऐसा लगा मतलब ये असोजी है या पिड्डी? फागण की। तो ये तो और भी तकड़ी होगी। राम राम जी।
तो ये क्या बीघे का नंबर है? साढ़े पाँच बीघे। तो ये कोरे की वजह से या कुछ मतलब कैसा है? अच्छा चलो जी, तो इसमें क्या क्या डाला? जरा बांध भी रखा देखा, पाँच छह पर पाँच पर जो बनने की गुंजाइश एक बार और। तो ये 28 इंच पे है, कितने पे जी? 27 पे। अच्छा 27, वो लोग तो जा लिए 5 फुट पे, क्या बात है। हाँ ये तकड़ा जी, जमीन बढ़िया, जमीन की बात है, जमीन की बात है, मेहनत की बात है। हाँ मेहनत भी है, जमीन भी है, घास नहीं है जी। सही कह रहे जी, घास नहीं है भाई। ये खेत लगा हुआ है, ये तो मेरे ख्याल में 125 पे जाएगा, 125 पे पहुँच जाएगा। नहीं 125 कटने में बहुत समय है। हाँ बहुत समय है, तो फागण का वैसे भी 2 महीने तो थी। बिल्कुल बिल्कुल, और अब गिरने का मतलब समय नहीं रहा बिल्कुल भी भाई। ये देखिए ऐसा गन्ना लग जाए किसान के तो बल्ले बल्ले। यो एक ट्रैक्टर मिला है मैसी, सबसे बड़े वाले तो यही तो है, ब्लैक इंजन का। जो बड़े वाला का जिन का 5 दिन का लड़के का। अच्छा तो इसका ब्लैक रंग जो कंपनी ने दिया करवाया बाद में। मॉडल ऐसे ही आए थे 4-5 में, यही आएगी। अच्छा 5 मॉडल है, 4 भाजी हो, 4 में। टायर तो 14 के दिखे हैं इसमें, 13 के, 13 छोटे से लग रहे हैं कुछ। 7 के टायर है इसमें। अच्छा 7 के हैं, तो ये भी नया लिया होगा? कुछ चला हुआ? हाँ जी चला हुआ। क्या बात है, पंजाब के बहुत नंबर आ रही है। हम 10 ट्रैक्टर उनके लाए थे पहले पंजाब से। हाँ वहाँ कुछ सस्ते मिल जाओ, तो वहाँ कोई मंडी से लाया करो, कैसे मंडी से ला करो कहीं? अच्छा असंत से भाई, ये असंत मंडी का लिया हुआ है, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। अच्छा कोई धोखा नहीं होता वहाँ मंडी में? क्यों जी, कुछ नहीं, हाँ जान पहचान होगी आपकी वहाँ। अच्छा कोई दुकानदार जानने वाले होंगे? स्टार्टर सेल्फ से करिए पवन एक बार स्टार्ट। क्या शानदार आवाज है, एक बार यहाँ खड़ा हो। इधर बंद कर दो। तो वहाँ से मतलब कौन से सन में लाए थे इसे? इसे तो हो गया जी, तो साल करीब। अच्छा काफ़ी पहले ले आए थे? साल बढ़िया काम कर रहा, इंजन विंजन सब ठीक? सब ठीक, कुछ नहीं कर रहा, सर्विस करवा गया, चला गया। टायर वही हैं? अगले की बात जी आपका। अच्छा अच्छा, तो ये गन्ना तुम्हारा ही है? क्या क्या डाल लग रहा है इसमें? डल्ला तो कुछ भी ना इसमें, तो और भी गन्ना ऐसे खड़ा ही खड़ा। अच्छा हाँ वो खतीला पानी आ गया, मट्टी पलटी थी जी। भाइयों पवन बहुत शौकीन है और रिश्ते में तो हम इसके नाना लगते हैं।